अब हम यहाँ पर द्रव्यानु योग के विषय में जो चल रहे हैं, अभी हमने पहले भी इधर देखे थे क्लास के अंदर, पदार्थ जो है, हाँ जी, पदार्थ अपने आप में जो जिस प्रकार से हैं, तो इनके अंदर ही हो गए दो पदार्थ दो प्रकार के। हाँ जी, रूपी अरूपी ये जो दोनों प्रकार के पदार्थ हैं, तो रूपी सिर्फ एक पुद्गल ही है और अरूपी के अंदर जो है ये चारों प्रकार है। अब अरूपी में आत्मा भी है, इधर आकाश भी है, धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, ये चारों पदार्थ अरूपी है, ध्यान रखिए साहब। अब एक ही पदार्थ बचा है रूपी, और ये पुद्गल है। अब इस पुद्गल के ही परमाणु है, पुद्गल के जो परमाणु है ये क्या कहलाएंगे? जड़। ये इसलिए पर्याय बन गए, समझे? तो पुद्गल एक द्रव्य हुआ, तो इस द्रव्य के अंदर जो है, अब आप ये देखिए, स्कंद है, देश है और प्रदेश है और परमाणु है, तो ये चारों इसके जो है पर्याय बन गए साहब। द्रव्य तो पुद्गल ही है, अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो जो द्रव्य में गुण है और जो धर्म भी द्रव्य में है, वो उसके पर्याय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विजय भाई ख्याल आ रहा है? जो द्रव्य में गुण धर्म है और वही उसके पर्याय में रहेंगे कि नहीं? क्या द्रव्य की पर्याय बन जाने के बाद गुण धर्म नष्ट हो जाते हैं? अब जो है जिस तरह से यहाँ पर आत्मा द्रव्य है, आत्मा के जो भी गुण धर्म है, अब आत्मा ने जो पर्याय धारण कर ली, अब उस पर्याय के अंदर वैसे गुण धर्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक ही द्रव्य ऐसा आत्मा है कि जिसके गुण है, गुण नष्ट नहीं होते हैं, अनंत अनंत काल में भी कभी गुण कोई नष्ट होता ही नहीं है, एक भी गुण कभी अनंत काल में नष्ट होता ही नहीं, किसी भी द्रव्य का नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आत्मा अपनी पर्याय में जब भी जाएगी, जिस प्रकार का जैसा भी शरीर धारण करेगी, उस समय उसमें वह आत्मा शरीर धारण करके रहेगी, लेकिन उसके कर्म के आवरण से उसके गुण ढकेंगे। अन्य किसी भी द्रव्य के गुण ढकते नहीं है, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय और पुद्गल, ये चारों जो है पर द्रव्य को ग्रहण करते नहीं है। आपने बोला अच्छा करता नहीं है, पर द्रव्य को ग्रहण करते ही नहीं है, तो आत्मा ही एक ऐसी है कि जो पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करती है। अब पर द्रव्य में मात्र एक पुद्गल ही है कि जिसको ग्रहण कर सकती है, आकाश धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय को ग्रहण क्यों नहीं करती है? अधर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय स्वयं करता नहीं है, निष्क्रिय द्रव्य है, और ये पर पुद्गल द्रव्य को या किसी भी द्रव्य को, मात्र पुद्गल कोई नहीं है, आकाश धर्मास्ति काय को क्यों नहीं ग्रहण करता है, अधर्मास्ति काय को क्यों नहीं ग्रहण करता है? आकाश के परमाणु नहीं है, धर्मास्ति काय के परमाणु होते ही नहीं है, अधर्मास्ति काय के परमाणु होते ही नहीं है, आत्मा के परमाणु होते ही नहीं है। हो गई बात क्लियर? तो किसके परमाणु होते हैं? पुद्गल के। सिर्फ पुद्गल के ही परमाणु होते हैं। अब पुद्गल के परमाणु रहते आकाश में ही है, पुद्गल के परमाणु गति लोक में ही कर रहे हैं, लोक आकाश में, और धर्मास्ति काय में ही गति कर रहे हैं, अधर्मास्ति काय के आधार पर स्थिरता रख रहे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी
अनंता अनंत काल में कभी भी आत्मा ये आकाश ने लोकाकाश ने या किसी ने भी जो है इन परमाणुओं को ग्रहण नहीं किया है। तो ये जो है आप देख रहे हो इसमें आकाश द्रव्य है, ये पूरा आकाश फैला हुआ है। इधर आप देखेंगे धर्मास्ती काय द्रव्य है, इधर अधर्मास्ती काय द्रव्य है, लेकिन अब इसी के अंदर रहते हैं ये परमाणु। अब ये इसी में सब परमाणु रहते हैं और इन सब परमाणुओं का इसी में रह ये हो गए परमाणु। हाँ जी बोलिए, परमाणुओं की संख्या कितनी है? अनंत परमाणु अनंता अनंत भूतकाल के पहले भी अस्तित्व में थे, एट प्रेजेंट वर्तमान में भी है, अनंता अनंत भविष्य काल के बाद भी अनंता अनंत परमाणुओं का अस्तित्व रहने ही वाला है। यूज द थ्री टर्म्स ऑफ द टाइम एंड यूज द थ्री सेंटेंस ऑफ द थ्री लैंग्वेज। ये लोक जो है, ये संसार ऐसा लोकमय जगत जो है, इट इज परमानेंट, इट इज इटर्नल बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस एंड बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स आल्सो। अब हमने ये बात पहले बहुत घूंट ली है, एक भी द्रव्य का सर्वथा संपूर्ण अस्तित्व का अभाव होता ही नहीं है। यहाँ पर जो है एक भी द्रव्य, जो भी द्रव्य है, ये पांचों ही द्रव्य अनंत अनंत भूतकाल के पहले भी एज इट इज थे, एट प्रेजेंट दे आर आल्सो एग्जिस्टिंग इन एज इट इज फॉर्म एंड इन फ्यूचर इन इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम दे विल रिमेन इन एज इट इज फॉर्म। इसी कारण जो है जगत का अंत कभी आता ही नहीं है, पूरे जगत का पूरे लोक का एंड देर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये तो अनंत अनंत काल पहले रहने ही वाला है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब इनके अंदर ध्यान रखिए, पहले ध्यान से सुनना, परमाणु सिर्फ पुद्गल के ही होते हैं, अन्य शेष चार द्रव्यों के परमाणु कभी होते ही नहीं है। तो अन्य चारों द्रव्य के एटम्स ही नहीं होते और एटम ही ग्रहण किए जाते हैं, तो आकाश को तो कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता है, आत्मा भी आकाश को ग्रहण नहीं कर सकती है, धर्मास्थी काय को भी ग्रहण नहीं कर सकती है, अधर्मास्थी काय को भी ग्रहण नहीं कर सकती है, आत्मा दूसरी आत्मा को भी ग्रहण नहीं कर सकती है। ध्यान दिया आपने बरोबर पारुल बेन, द सोल कैन नॉट टेक द अनदर सोल आल्सो, द सोल कैन नॉट टेक द आकाश द स्पेस नॉट द धर्मास्तिका इवन अधर्मास्तिका बिकॉज दे हैव नो एटम्स। आत्मा के भी एटम्स नहीं होते हैं, इवन द मदर दोज हु आर टेकिंग द अनदर सोल इन देयर वूम, बट दैट द लिविंग बींग विच इज कमिंग इन द मदर्स वूम, it is taking the totally atoms group of the Audharik Vargana and it is being for the 9.5 months he is making his in physical body, but the mother's atma the soul and the womb's the soul is totally different and separate because the soul has no atoms, so the mother's soul cannot take the other soul's atom. But the another soul which is entering in the mother's womb, you say, in the uterus, it will take the atoms of the Pudgal Parmanu and then it will make its own body. That is called the living body, you see. Dekh, ek atma dusri atma ko grahan nahi kar sakti hai. Koi atma kisi ko grahan nahi kar sakti hai. Ek atma ke bhi Parmanu hote hi nahi hai. एक मदर भी, मैंने आपको कहा कि मदर इज नॉट टेकिंग द अनदर सोल, बट द अनदर सोल इज एंटरिंग इन द मदर्स यूट्रस बिकॉज ऑफ इट्स ओन कर्म एंड ड्यू टू दैट कर्म व्हेन इट एंटर्स इन मदर्स वूम यू सी इट विल स्टार्ट टू टेक द अवतारिक एटम्स ग्रुप
And after starting that group of atoms, it will start to make his own body. क्योंकि उसको शरीर के बिना रहना नहीं है. तो केवल ज्ञानी तो क्या कह रहे हैं कि विद इन ओनली द 48 मिनट, इन फर्स्ट 48 मिनट इट कैन कंप्लीट हिज ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड देन आफ्टर द 9.5 मंथ यू सी इज ओनली द ग्रोथ डेवलपमेंट इज ग्रोइंग ओनली बट एवरीथिंग हैपेंस विद इन द फर्स्ट 48 मिनट. छह प्रकार की पर्याप्तियां सिर्फ प्रथम 48 मिनट के अंतर मुहूर्त में तैयार हो जाती है. उसके बाद 9.5 महीने तक सिर्फ ग्रोथ ही डेवलप होना है. अब वो किसका काम है? उस जीव का काम है. अब बेसिक प्रिंसिपल क्या समझा आपने? मदर की आत्मा टोटली डिफरेंट है एंड चाइल्ड इन द मदर्स वूम हैविंग इट्स ओन सोल इज टोटली इंडिविजुअल एंड सेपरेट. एक माँ ने दूसरी आत्मा को ग्रहण नहीं किया है और उस आत्मा के एटम्स होते ही नहीं है तो कोई भी ग्रहण नहीं करेगा. चलो आकाश धर्मास्तिकाय की बात तो अलग ही रह गई. उनको तो ग्रहण करता ही करना ही नहीं है. वो तो करता भी नहीं और निष्क्रिय द्रव्य है. अब कर्ता और निष्क्रियता दोनों के अंदर कार्य कारण भाव क्या है? निष्क्रिय होने के कारण कर्ता नहीं है और कर्ता नहीं होने के कारण निष्क्रिय है. आत्मा कर्ता होने के कारण सक्रिय है और सक्रिय होने के कारण आत्मा कर्ता है. अभी पुद्गल परमा पुद्गल के परमाणु है और पुद्गल के परमाणु का लेने का काम किसका है? आत्मा का ही है. हाँ बस. तो पुद्गल को आत्मा क्यों ग्रहण कर रही है? क्योंकि पुद्गल के परमाणु अलग है और पुद्गल के परमाणु अलग होते हैं इसलिए ले रही है. अब पुद्गल के परमाणुओं को लेने का काम आत्मा का है तो वही काम फिर आत्मा मोक्ष में क्यों नहीं कर रही है? जो आत्मा कर्म के सहायता से कर्म के कारण जो कर्ता भाव था वो नहीं रहा. अब आत्मा का मोक्ष में कर्ता भाव निज गुण में रमण था. थोड़ा ध्यान दीजिए शब्दों पर. आत्मा का आत्मा कर्ता द्रव्य है, आत्मा सक्रिय द्रव्य है और दोनों शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं. ये शब्द है कर्ता और ये है भोक्ता. अब कर्ता भोक्ता भाव दोनों आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और यही शब्द यहाँ पर जो संसारी आत्मा संसारी जीव जो है अब उसके साथ भी जुड़े हुए हैं ये शब्द. अब यहां पर क्या फर्क है? आत्मा चाहे संसारी पर्याय में हो चाहे वही आत्मा सिद्ध पर्याय में हो कर्ता भाव भोक्ता भाव नष्ट नहीं होता है. कोई भी गुणधर्म नष्ट तो होना ही नहीं है सा. तो ये कर्ता भाव भोक्ता भाव संसारी पर्याय में भी है और मोक्ष पर्याय में भी है. आ रहा है ख्याल में? बोलिए. तो जब यहां पर कर्ता भोक्ता संसारी भाव में होगा तब आत्मा कर्म के पुद्गल परमाणुओं को और सभी प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती है और जब उनको ग्रहण करती है उसमें से कुछ बनाएगी उसका फल भोक्ता भी आत्मा खुद ही है और वही कर्ता भोक्ता भाव मोक्ष में तो है, गया नहीं है. लेकिन वहां पर अब सहयोगी कारण जो कर्म था वो नहीं है. तो अब वहां पर आत्मा जो है पर पुद्गल परमाणुओं को लेकर कर्ता नहीं बनेगी, पर पुद्गल की कर्ता नहीं रहेगी, अब स्वगुणों की कर्ता है. अरे बात समझ में. जब स्वगुणों की कर्ता है तभी जाकर के अनंत सुख का अनंत आनंद का अनंत चारित्र का अनंत दान लाभ भोग उपभोग का अनंत ज्ञान दर्शन का स्वयं के गुणों का भोक्ता भाव भी स्वयं ही रहेगी. स्वयं अपने गुणों का कर्ता है, स्वयं अपने गुणों का फल भोक्ता भी है. लेकिन ऐसा कर्ता भाव धर्मास्तिकाय में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है, आकाश में नहीं है, पुद्गल में नहीं है.
तो पुद्गल किसी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर रहा है। पुद्गल किसी पर द्रव्य में, पुद्गल से पर कौन हुआ? आकाश धर्मास्ति का है, धर्मास्ति का है। अब उनको ग्रहण क्यों नहीं करता है? दोनों तरफ, एक तो पुद्गल के अंदर वैसा करता भाव नहीं है, और दूसरी तरफ आकाश धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, और आत्मा के परमाणु नहीं है। दोनों साइड बोलिए आप, बरोबर लॉजिकल अप्रोच से बोलिए। अगर यहां पर कुंभार है लेकिन मिट्टी ना हो तो वो घड़ा कैसे बनाएगा? कुंभार को आता है, कुंभार के अंदर कर्ता भाव है, कर्तृत्व शक्ति है, लेकिन अभी वो कुंभार जो है मिट्टी लेगा तो ही घड़ा बनाएगा, मिट्टी नहीं लेगा तो घड़ा बनाएगा कैसे? अब उसके पास घड़ा बनाने की शक्ति है लेकिन साधन नहीं है। तो आत्मा मोक्ष में गई तो उसके पास कर्ता भाव तो है, भोक्ता भाव है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो कारणीभूत साधन कर्म का था वो न होने के कारण वो परमाणु नहीं लेगा। लेकिन आकाश धर्मस्थि का अधर्मस्थि का और आत्मा को तो लेना ही नहीं है था, और सामने जो है उनके अंदर कर्ता भाव ही नहीं है, वो निष्क्रिय द्रव्य है, और दूसरी तरफ आकाश धर्मस्थि का अधर्मस्थि का आत्मा के परमाणु ही नहीं है था। तो लेना, करना, बनाना, अनुभवना, करना कुछ नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर सब है, आत्मा की शक्ति में सब है, सब ये विशेषता है आत्मा की। हाँ जी, अब ख्याल आ रहा है आपको? ये जो विशेषता है, अब इस विशेषता के आधार पर आपको समझना है। तो अब इधर क्या हुआ, इधर आपने क्या देखा कि इधर जो है सिर्फ अब परमाणु है, अब परमाणु अपने आप में कितने हैं? अनंत अनंत हैं। और संसार में जीव आत्माएं कितने हैं साहब? वो भी अनंत अनंत है। अब ये भी जीव है, ये भी जीव है। अब ये सभी आत्माएं जो है, अब इन सबको अपने अपने कर्म है, और इन सबको अपने अपने कर्म के अनुसार लेकर के बनाना है। तो सबको जितने चाहिए, एक आत्मा अनंत परमाणुओं को लेती है और वही वैसे ही अनंत अनंत आत्माएं लेती है। तो आत्माओं की संख्या के हिसाब से परमाणुओं की संख्या कितने गुनी हुई? हाँ जी, ये है वर्गणा। अब आप इनको देखेंगे, वर्गणा जो है कितने प्रकार की वर्गणा है। अब ये जो आठों प्रकार की वर्गणा है, अब इन आठों प्रकार की वर्गणाओं में तो पहली बात तो ये है कि जब वर्गणा जो भी बनेगी, अब वर्गणा ग्राह्य कब बनेगी, कब होगी? समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब एक वर्गणा बनेगी, ऐसी आठ वर्गणा है। अब इस जीव को लेनी है ऐसा, अब हमारी आत्मा है इसको लेनी है, एक आत्मा मैक्सिमम छह वर्गणाएं लेती है। औदारी के लिया वह इधर से जो है ये छोड़ दी, तो यहां से श्वासोश्वास की, भाषा की, मनोवर्गणा की, तेजस वर्गणा की, कार्मण वर्गणा की, ये वैक्री और आहारक के दो छोड़कर के छह वर्गणा हमने ली है, और छह वर्गणा लेकर के हम इस तरह से अपने शरीर की रचना करते हैं, अपना शरीर बना रहे हैं। तो हमको यहाँ पर जो है ये छह वर्गणा लेनी। अब जीव माता के गर्भ में आया, उसने औदारिक वर्गणा ली, उसके बाद श्वासोश्वास वर्गणा ली, भाषा वर्गणा ली, मनोवर्गणा ली, ये लेगा तो बनाएगा, नहीं तो कैसे बनाएगा? नहीं तो मन बनेगा नहीं, नहीं तो शरीर बनेगा नहीं, नहीं तो श्वास नहीं ली जाएगी, नहीं तो भाषा के शब्द नहीं बनेंगे। जीव आत्मा को जो भी कुछ बनाना है उसको अनिवार्य रूप से वर्गणा, पुद्गल परमाणु की वर्गणा को लेकर ही बनाना है, नहीं तो नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं बनेगा। आत्मा को कुछ भी बनाना है
आत्मा को कुछ भी बनाना हो तो कंपल्सरी उसको पुद्गल के परमाणु की वर्गणा को लेकर ही बनाना है, नहीं तो नहीं बना सकती। यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड यूज दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स। जगत के अंदर अब दो ही तो द्रव्य बचे हैं, आकाश धर्मास्ती का अधर्मास्ती का, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थ्री द्रव्य बिकॉज दे आर स्टेडी एंड स्टेबल। वो आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो करता भी नहीं है, उनको कुछ नहीं करता है, उन्होंने आपको इनवाइट कर दिया है। इफ यू वांट टू यूज माय वर्चुअस कम एंड यूज, आइए। आपको अगर रहना है तो आकाश कह रहा है मेरा गुणधर्म है अवगाना लेकर के रहो। धर्मास्ती का कह रहा है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई हैव दैट माय ओन वर्चुअस। इफ यू वांट टू गो एवरीवेयर यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टेक माय हेल्प एंड गो फॉर एनी अदर प्लेस। अधर्मास्ती काय ने भी क्या कह दिया, I am not the active dravya. I am steady and stable. If you want to take, yeah, anywhere you want to stop, you can. बस बात इतनी सी है। अब रही बात किसकी है, एक्शन एंड रिएक्शन किसके बीच चल रहा है, आत्मा और पुद्गल के बीच। आत्मा और पुद्गल परमाणु जो है इन दो के बीच में है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु जगत में अनंता अनंत की संख्या में एग्जिस्टेंस है। और क्यों है, क्योंकि तो संसार में लेने वाले जो जीव आत्मा है, अब ये भी कितने हैं, अनंत अनंत जीव है लेने वाले। जीव आत्मा जो है, अब ये जीवात्मा ये भी कितनी है, अब ये भी अनंत अनंत है। अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव संसार में शरीर बनाए बिना रह ही नहीं सकता है, ये अनिवार्यता हो गई। अब आत्मा को संसार में रहना है तो शरीर अवश्य बनाना है। अब शरीर बनाना है तो एक एक जीव कितनी वर्गणा के परमाणु लेगा तब शरीर बनेगा। पहली बात तो यही आ गई कि अनंत परमाणु इकट्ठे न होवे वहां तक वर्गणा ग्राह्य नहीं बनती है, और अनंत अनंत जीव है और सबको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना है। असंख्य ही जीव ऐसे हैं जो देव नारकी में, उनको वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना है। तो वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करने वालों से औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने वालों की संख्या अनंत अनंत गुनी ज्यादा है। जीव कितने हैं, अनंत अनंत। ये वर्गणा को ग्रहण करने वाले तो देवनारकी असंख्य ही है, परमानेंट फिगर हो गया ये, ध्यान रखना परमानेंट। अनंत भूतकाल के पहले भी, अनंत भविष्य काल के बाद भी वैक्रिय वर्गणा को ग्रहण करने वाले जीवों की संख्या से अनंत अनंत गुनी ज्यादा संख्या जो है वो औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने वालों की है। क्यों है, क्योंकि देवनारकी तो सिर्फ पंचेंद्रिय है, लेकिन औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने वाले एक इंद्रिय पृथ्वी का, अपकाय तेव काय वायु काय वनस्पति काय, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौथ इंद्रिय मनुष्य देव नारकी, अरे मनुष्य तिर्यंत पशु पक्षी आदि सभी है, तो सबको ग्रहण करना अनिवार्य है, तो कंपल्सरी है, समझे कि नहीं। अब ये सब एक साथ में ग्रहण करेंगे तभी होगा, नहीं तो कैसे होगा। अब सबको औदारिक वर्गणा ग्रहण करनी है, अब ध्यान से सुनना। और बिना अनंत परमाणु इकट्ठा हुए औदारिक वर्गणा बनती नहीं, ग्राह्य नहीं बनती है, और सबको ग्रहण करना है। तो औदारिक वर्गणा के परमाणु भी कितने हो गए, अनंत 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 का अनंत बार मल्टीप्लाई करो इतना हो गए, और जीव भी संसार में अनंत को मल्टीपल करो इतने अनंत है सर। तो एक एक के भाग में कितने आए, एक एक के भाग में कितने अनंत 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 आए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब इतने इतने सबका एग्जिस्टेंस तो है ना, और परम वर्गणा तो चेंजेबल है। औदारिक के एटम्स बिखर जाएंगे तो वो जाके वैक्रिय में जाएंगे, वैक्रिय के बिखर जाएंगे तो श्वासोश्वास में जाएंगे, आखिर तो परमाणु ही है। परमाणु तो ये चेंजिंग फॉर्म ऑफ द एटम्स, ये है पर्याय। अब पर्याय का तो परिवर्तन होना ही होना है,
पर्याय तो परिवर्तन होती ही रहेगी ना, पर्याय रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वर्गणा में से उत्पाद होगा। अभी मैंने श्वास लिया छोड़ दिया, लिया तब ऑक्सीजन, छोड़ा तब कार्बन, बदल गई कि नहीं? अभी मैंने श्वासोश्वास वर्गणा ली, अभी मैंने मनोवर्गणा ली, अभी मैंने भाषा वर्गणा ली, मैंने ली और तुरंत उपयोग किया छोड़ दिया। ये मैकेनिज्म जो है, ऑटोमिज्म जो है, वो एटम्स के अंदर है, एटम्स के ग्रुप में ये सिस्टम चल रही है साहब।